हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया था और अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और उसके बाद कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बच्चों कोरोना हो गया है, इसको जरा यहां से दूर हटाया जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों? जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला था, वैसे ही अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो जो रिलीज एनर्जी होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। एफिनिटी का मतलब होता है बच्चों चाहत। क्या नाम होता है? चाहत। चाहत मतलब लविंग टेंडेंसी। कई अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी होंगे जिनको चाहत का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए है लविंग टेंडेंसी। लविंग टेंडेंसी किसकी? इलेक्ट्रॉन की लविंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन की चाहत, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन की चाहत ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो अब इसको जरा ऐसे समझो कि अगर मैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी नहीं है, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो नहीं लेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, है ना। तो बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में, तो न्यूक्लियस और उस आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है, और थोड़ा जो पहले से इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो उसको रिपल्शन भी देते हैं, है ना। तो अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा लेगा और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, यहाँ पर Cl, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया और इसको Cl नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस में बच्चों कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये रिलीज्ड एनर्जी ही क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl एटम, ये क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, ठीक है। बात करें अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया बच्चों, मैंने इसे मैंने ओ नेगेटिव में कन्वर्ट करवाया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई। वैसे इसकी वैल्यू होती है बच्चों -141 किलो जूल पर मोल, पर आपको वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है ना, ये वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी कभी भी। अगर ओ नेगेटिव लिया जाए और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जाए, इसको ओ टू नेगेटिव बना दूँ, तो इस प्रोसेस में बच्चों एनर्जी मुझे देनी पड़ गई, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो एनर्जी रिलीज हो गई, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो एनर्जी देनी पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ पहले उसको समझो। यहां पर जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करवाया, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करवाया तो ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, एक मोनो एनायन में कन्वर्ट हो गया। मोनो एनायन में कन्वर्ट हो जाने के बाद हमने देखा, जब इसमें हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए लेकर आए, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इससे ऐड होने जाएगा, तो बच्चों ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं होगा तो ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती ऐड करवाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती जब भी करते हैं एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देकर ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो एनर्जी दी बच्चों, वो हम मान लेते हैं ऑलमोस्ट लगभग 744 किलो जूल पर मोल दी है ना, इसकी ये वैल्यू होती है, पर वैल्यू याद नहीं करनी है। अब मुझे बताओ जरा कि सर, आपने तो बोल दिया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में एनर्जी देनी पड़ती है, फिर फर्स्ट में क्यों नहीं देनी पड़ी? फर्स्ट में भी तो इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट थे। तो बच्चों, वहाँ पर कुछ ऐसा सीन था, किसी भी एटम में आपने जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, ये इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड करवाया, तो उस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन ज़रूर होगा। ये जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी
रिलीज होती है केमिस्ट्री में, ये बात ध्यान में रख लो। कहीं पर भी आपको चाहे ऑर्गेनिक ले लो, चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, चाहे फिजिकल ले लो, ये लाइन काम आएगी। केमिस्ट्री में जब भी अट्रैक्शन होगा तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन के केस में ऐसा हो गया, लेकिन अब क्योंकि ओ नेगेटिव के केस में रिपल्शन ज़्यादा हो गया, इसलिए एनर्जी देकर ऐड कराना पड़ा। तो यानी कि अगर मैं इसका सम कर दूं बच्चों, दोनों रिएक्शन का सम कर दूं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मैं ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करा के उसे सीधे डायरेक्टली O2 नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ये प्रोसेस कैसा होगा? इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? बच्चों जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को आपको भी पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़े इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़े उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, है ना? जिसमें एनर्जी देनी पड़े उसको एक्सो, और जिसमें रिलीज हो जाए उसको एक्सोथर्मिक, जिसमें देनी पड़े उसको एंडोथर्मिक, ठीक है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको बच्चों क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, बताओ ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ऑक्सीजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ये प्रोसेस कैसा है? ये एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ओवरऑल हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करा के O2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इस प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी। देखो इसका सम करो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों लगभग प्लस का 3603 किलो जूल पर मोल, ठीक है? यानी कि यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है बच्चों। वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या कहता है? वो कंक्लूजन ये कहता है कि किसी भी एटम में अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए तो उस प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और देनी भी पड़ सकती है, वो कैसे अभी हम देखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कराए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डेल्टा एच ई जी वन है। डेल्टा एच ई जी कैसे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बच्चों इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? एफिनिटी या तो जीरो रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। एफिनिटी या तो जीरो रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। एफिनिटी जीरो का मतलब है कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे। अब कुछ एटम हमारे पास ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहता तो हम जबरदस्ती एनर्जी देकर ऐड करवाते हैं, तो उस केस में एफिनिटी से ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, उस केस में एफिनिटी डिफाइन नहीं होती है। एफिनिटी क्या है? चाहत, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे उसकी चाहत नेगेटिव है, हम क्या बोलेंगे? या तो उसकी चाहत है या चाहत नहीं है। नहीं है मतलब जीरो है, है मतलब पॉजिटिव है। तो ऐसा केस जिसमें जबरदस्ती हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, चाहत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती है ना। चाहत का उल्टा क्या होता है बच्चों? चाहत का उल्टा होता है नफरत। अगर जबरदस्ती करोगे तो नफरत हो जाएगी, जबरदस्ती करोगे तो नफरत हो जाएगी, नफरत हो जाएगी तो फिर अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तब तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, किसी एटम में रिलीज हो जाती है, किसी में देनी पड़ती है। तो जिसमें रिलीज हो जाती है उसके लिए तो एफिनिटी पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। जिसमें रिलीज नहीं हुई बिल्कुल भी उसके लिए ज़ीरो, और जिसमें देनी पड़ गई उसके लिए एफिनिटी डिफाइन ही नहीं करती है, उसको देने वाली चीज़ डिफाइन ही नहीं करती है। तो अगर मैं किसी नोबल गैस की बात करूं तो उसमें कैसे इस प्रोसेस को डिफाइन करूं? तो उसके लिए फिर मुझे गेन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है। इस टर्मिनोलॉजी को मुझे इसीलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि एंथैल्पी अगर हम बोल रहे हैं तो हम साइन के साथ एनर्जी को लिखेंगे, और पॉजिटिव साइन लिखने का मतलब है केमिस्ट्री में कि हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव साइन लिखने का मतलब है कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बच्चों एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव, दैट मीन्स एनर्जी देनी पड़ रही है। एंथैल्पी का साइन नेगेटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको हम डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है ना, और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है? नेगेटिव कब? जब एनर्जी
रिलीज हो रही हो, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। पॉजिटिव कब? जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या देनी पड़ रही हो, यानी कि जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। ठीक है, तो यहां पर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला, ये डेल्टा एच ई जी वन है। डेल्टा एच ई जी वन देखो नेगेटिव है, पहले प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई थी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस था जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, दूसरे प्रोसेस में हमने एनर्जी देनी पड़ी हमें, तो ये प्रोसेस जो था बच्चों ये एंडोथर्मिक था, ये डेल्टा एच ई जी टू था, वैल्यू पॉजिटिव मिली, इसका मतलब एनर्जी दी है। तो बच्चों यहां से इस ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आई कि अगर आप डेल्टा एच ई जी वन और डेल्टा एच ई जी टू का सम करेंगे तो ये ऑलवेज आपको ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा कम रहेगी, ये देने वाली एनर्जी हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होती है, वो हमेशा हाइयर ही होती है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेगी। तो आप सीधे सीधे ये याद रख लो कि डेल्टा एच ई जी वन प्लस डेल्टा एच ई जी टू ये हमेशा जीरो से बड़ा ही मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इधर अगर तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो इधर डेल्टा एच ई जी थ्री भी ऐड कर दो तो वो भी ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, अच्छा इसमें और इसमें रिलेशन में आपको बता देता हूँ। डेल्टा एच ई जी जो होता है बच्चों माइनस ऑफ ई ए होता है, डेल्टा एच ई जी ये होता है माइनस ऑफ ई ए। माइनस ऑफ ई ए कैसे आया, इसको बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक्सप्लेन किया जाता है, बट क्योंकि वो उतने लेवल तक हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा तो इसलिए उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, है ना। एक पूरी इक्वेशन होती है इसकी, वो इक्वेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये इसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं कि देखो एनर्जी रिलीज हुई थी तो ई ए का वैल्यू पॉजिटिव था, है ना, ई ए का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी का साइन हम कैसा लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो जब ई ए पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमने इसका आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। और जब ई ए नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स लेते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग में बच्चों हमने जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़े थे तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन के फैक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा, हमेशा जेड इफेक्टिव। तो बच्चों यहाँ पर भी पहला फैक्टर जेड इफेक्टिव ही है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जेड इफेक्टिव सुनते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि जेड इफेक्टिव इज न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पार। न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पार, दैट मींस न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव होगा। न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और बच्चों अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिंपल, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो एक पीरियड में बच्चों आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पूछ लिया जाए, आपको बोला नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इंक्रीज होगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बोरोन का बताओ, कार्बन का बताओ, बोरोन और कार्बन में से कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन अभी नहीं ले रहा मैं क्योंकि
आगे एक फैक्टर में वो आएगा। सेकंड फैक्टर होता है हमारा हमेशा साइज। अब बच्चों मुझे बताओ, आपके पास एक ये एटम है और आपके पास एक ये एटम है। ये एटम नहीं बच्चों, ये एटम नहीं है, ऐसा इतना गंदा भी नहीं होता एटम। कोशिश करते हैं, हाँ अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है एटम, है ना, कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चला लो बच्चों। ड्राइंग भी मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे अच्छी मैं कर ही लूँगा। एक इस जगह इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है और एक इस जगह, बताओ किस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा या इस पर? ऑब्वियस ही बात है इस पर, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है इस पर। इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी भी यहीं से ज़्यादा रिलीज होगी, और इस पर अट्रैक्शन बहुत कम होगा क्योंकि बहुत दूर है, दूर है इसलिए एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होगी, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी, और साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगी। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में ईए लिख रहा हूँ बच्चों, सीधे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ईए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। यानी कि आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि Cl, Br और I, इसमें एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग। आपसे पूछ लिया जाए सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इनमें डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने Cl, Br, I लिखा, F क्यों नहीं लिखा, इधर ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? भाई जब डाउन द ग्रुप ऑर्डर आप ले रहे हो तो फिर पूरे ग्रुप का बताओ ना, ऐसे ये टुकड़े टुकड़े में क्या बता रहे हो? बात तो सही है, ऐसा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि अभी एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है, है ना। लोग उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्चुअली मैं उनको एक्सेप्शन नहीं, मैं उसको एक नया कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, एक नया फिनोमिनन बोलता हूँ। तो वो नया फिनोमिना या नया कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चों, यहाँ पे देखो, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमें पता है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो साइज इनका बड़ा होता है, इनका कम होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका ज्यादा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसी को लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, इसी को एक्सेप्शन बोला जाता है। अब इसको एक्सेप्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमने अभी फैक्टर पढ़ा है ये उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा है तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एफ और सीएल में कंपेयर करूं तो बच्चों एफ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए लेकिन सीएल का ज़्यादा होता है। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करूं तो सल्फर का ज़्यादा होता है, ज़्यादा किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करें एफ और सीएल की, तो एफ क्योंकि साइज में छोटा है इसके ऑर्बिटल्स भी छोटे छोटे होंगे, और सीएल क्योंकि साइज में बड़ा है इसके ऑर्बिटल्स भी साइज में बड़े होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों छोटे एरिया में ज्यादा होती है, और इधर साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फैल जाते हैं दूर दूर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो डिस्पर्स हो जाएंगे तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रहेगा, और यहां पर क्योंकि कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इधर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा रहेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने आता है वो ज़्यादा रिपल्शन फील करता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से ऐड नहीं हो पाता जितना इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है सेकंड पीरियड एलिमेंट से। लेकिन सिर्फ थर्ड पीरियड का और सेकंड पीरियड के जब आप कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स तब आपको ये ऑर्डर मिलेगा। उसके नीचे डाउन द ग्रुप साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है
कि अट्रैक्शन ही कम हो जाता है, तो फिर एनर्जी वैसे ही डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें बच्चों ऑर्डर आप ऐसे याद रख लो, इसमें आप ऑर्डर ऐसे याद रख लो, एफ सी एल बी आर आई, एफ से सी एल गए तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड की ज़्यादा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज़्यादा, उसके बाद डिक्रीजिंग। या इनके आपको रेगुलर ऑर्डर चाहिए तो इसको ऐसे याद रख लो, सी एल को इधर ले जाओ और एफ को इधर ले जाओ, सी एल को इधर ले आओ, तो सी एल की सबसे ज़्यादा, फिर एफ, फिर बी आर और फिर आई, ये ऑर्डर बन जाएगा एक तो। और इसके केस में ऑर्डर ऐसा बनता है बच्चों, ऑक्सीजन सबसे पीछे पहुँच जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज जो है वो छोटा मिलता है हमें। ये दो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 10 में से 7 क्वेश्चन सिर्फ एक इस एलिमेंट पर बनते हैं, सीएल पर। आप किसी भी बुक को उठा के देख लो, कितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आए हैं, उसमें आपको 10 में से 7 क्वेश्चन इस एलिमेंट पर मिलेंगे। आज जाके देखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सीएल पर मिले तो एक बार मेरा ये कथन जो मैं अभी कह रहा हूँ उसको याद कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपको या तो फ्लोरीन और क्लोरीन पर मिल जाएंगे, ऑक्सीजन सल्फर पर मिल जाएंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन तो क्लोरीन पर ही बने हुए होते हैं। क्लोरीन अपना ये जो एलिमेंट है बच्चों, अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी की होती है बच्चों तो वो होती है क्लोरीन की, ठीक है। ये हो गए बच्चों अपने दो फैक्टर्स, चलिए आगे के फैक्टर्स देखते हैं। वही पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर, पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या था बच्चों जल्दी से बताओ, एस पी डी एफ। पेनिट्रेशन पावर जो सबसे ज्यादा पास होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, तो एस पी डी एफ ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी वो फैक्टर एप्लीकेबल होता है बच्चों, अगर आपको किसी NS सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है इन कंपैरिजन टू NP सबशेल, तो NS में ऐड कराने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उस केस में आपको NP वाले में कम एनर्जी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल बच्चों आपको लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 1s2 2s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करवाओगे, 2s में। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करवाओगे, 2p में। 2s और 2p कौन ज्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के, s ज्यादा करीब होता है, s ज्यादा करीब होगा तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली आप बात कर लो सोडियम की और एल्युमिनियम की, तो बच्चों सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, इसमें 3s1 में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, इसमें 3p1 में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, ठीक है। ये था अपना थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं पर आ गया बच्चों, तो अब जैसे अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जैसे कि नोबल गैस की बात करें, हम बोलते हैं ना नोबल गैसेस ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, ऐसा क्यों, अगर उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है पहले से ही तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्यों डिस्टर्ब करेगा ज़बरदस्ती में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो फिर एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, और उस केस में उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं बेरिलियम की बात करूं बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है। ns2 कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, ये क्या है, एक नोबल गैस है,
तो अगर इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, इसको एच ई नेगेटिव बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि यह प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इसमें अगर मैं देखूं तो देखो NS2 कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, NS2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि NS सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूं, इसको एक मोनोवेलेंट एनायन बनाता हूं, तो इसमें भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यह प्रोसेस भी कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसका भी डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, डेल्टा एच ई जी वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आपने तो बता दिया इसके लिए पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव है, उसके लिए नेगेटिव है, फलाना ढीमका, अब हम कैसे बताएंगे कि किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है? आप बताओगे ना, क्यों नहीं बताओगे, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको। बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में जिनके लिए पॉजिटिव है, बाकी सबके लिए नेगेटिव होती है। पहली वाली, दूसरी वाली तो सबके लिए पॉजिटिव है, पहली वाली किसके लिए पॉजिटिव है? तो बच्चों पहली वाली मोस्ट ऑब्वियसली अपनी नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि ये तो पहले से स्टेबल होती है। दूसरी अपने इसके भाई बंधुओं के लिए, यानी कि सेकेंड ए वाले, और एक अपना नाइट्रोजन। इन तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मिलती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मिलती है, यानी कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पर एनर्जी देनी पड़ेगी। नोबल गैसेस, सेकेंड वाले और नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो उस केस में भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका डेल्टा एच ई जी वन पॉजिटिव होता है, ठीक है? यानी कि यह प्रोसेस भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है? ये था बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने को आ जाएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि थ्योरी पढ़ के उतना कॉन्फिडेंस बच्चों कभी भी नहीं आता जितना क्वेश्चन करके आता है, ठीक है? आपको कभी भी किसी टॉपिक पर अगर कॉन्फिडेंस लाना हो ना, तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको थ्योरी कहाँ समझ में नहीं आई है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपको ये समझ में कभी नहीं आएगा कि मुझे थ्योरी पूरी समझ में आई है या नहीं आई है। थ्योरी पढ़ के तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये टॉपिक समझ में आ गया, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो ये पेनिट्रेशन पावर और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये चार फैक्टर हमने देख लिए हैं बच्चों। एक बार फटाफट से इन फैक्टर्स को रिवाइज कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। हमें चार प्रोसेस दी है, प्रोसेस में हमें दिया है बच्चों ये आइसोलेटेड गैसेस एटम मान लेना आप लोग,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक ना, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसके बगल में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक को लेके, ठीक है आप लिख लेना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है पहला ऑप्शन है। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, तब तक एक्सोथर्मिक बोला गया है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है देखिए, कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने, है ना। अब देखिए कैसे ट्राई करते हैं बच्चों, हमसे पूछा कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है और प्रोसेस हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर एक सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के उसको Na नेगेटिव में बना दिया है, ठीक है। तो हमने एक आइसोलेटेड गैसेज एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है, और ये प्रोसेस कैसा होता है बच्चों, इस प्रोसेस में तो एनर्जी रिलीज होती है, किसको छोड़ के, सेकेंड ए वाले नोबल गैसेस और नाइट्रोजन, इन तीनों को छोड़ के बाकी सबके लिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। एम से क्या पूछा, एंडोथर्मिक। Mg प्लस टू में दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, Mg बनाए, अब ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो बच्चों याद करो, जब Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था और फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला था, Mg प्लस टू बनाया था, तो इस प्रोसेस में क्या किया था हमने भाई, किसी भी आइसोलेटेड गैसेज एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा एंडोथर्मिक होती है एटम की, तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड रिमूव करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें इसका उल्टा प्रोसेस पूछा है, अगर यहाँ से यहाँ जाने पर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो यहाँ से यहाँ आने पर एनर्जी बच्चों रिलीज हो जाएगी, जितना एनर्जी आप यहाँ दोगे उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा इधर से इधर आने में। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते तो एनर्जी देनी पड़ती है, इधर से इधर जाएंगे तो रिलीज हो जाएगी, यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इन तीनों को छोड़ के किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हमारा आंसर जाएगा डी, सेम प्रोसेस। यहाँ पर हमसे पूछा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक का पता लगाना है। देखो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन में अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ी थी, तो इस वाले प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। हमें इसका उल्टा प्रोसेस करके वहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और यही हमसे पूछा है, यानी कि ए हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा भी देख लेते हैं, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है बच्चों, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक। ऐसे एल्यूमिनियम से तीन इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो ये तो एंडोथर्मिक होना ही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है छोटा सा, वो क्या है, वो इसी से रिलेटेड है। जैसे यहां पर देखो, नाइट्रोजन में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, नाइट्रोजन में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, तो ये जो ई रिलीज हो रहा है, ये ई क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
इसको मैं अगर E1 बोल दूं और इसको मैं E2 बोल दूं बच्चों, तो जितना इधर से इधर जाने में एनर्जी दिया जाता है उतना ही रिलीज हो जाता है इधर से इधर आने में। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस साइन चेंज है। इधर से इधर गए थे तो पॉजिटिव साइन था, इधर से इधर आ गए तो नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। और इधर से इधर गए थे तो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या ऐसा बोलते इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो E2 क्या है यहां पे, Ea ऑफ नाइट्रोजन। और E1 क्या है, हम n नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज आती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो E1 क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ n माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और ये E1 E2 तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर हैं, सिर्फ साइन का ही तो फर्क है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव। ये क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए नेगेटिव, या ऐसा बोल लो इसको, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पर जितना एनर्जी रिलीज हुआ उतना ही देना पड़ेगा उस एटम से, उस आयन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए। यानी कि बच्चों F से आप F नेगेटिव गए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, इस प्रोसेस में एनर्जी E1 रिलीज हुआ, ठीक है। आप Cl से Cl नेगेटिव गए, इसमें एक एनर्जी रिलीज हुआ, ये E2 मैंने बोला। अब मुझे बताओ बच्चों ये E1 और E2 क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज है, क्योंकि देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हमने करवाया है। तो E1 इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, E2 इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। तो मुझे ज़रा बताओ कि E2 और E1 में से कौन बड़ा है, यानी कि Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और F की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो भैया इसकी तो मैक्सिमम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि E2 ही ज़्यादा है, सिंपल। अब इस प्रोसेस को उल्टा कर दो, Cl नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और F नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उतना ही देना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों E1 देना पड़ेगा और इसमें E2 देना पड़ेगा, कौन ज़्यादा था, E2 ज़्यादा था। यानी कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl नेगेटिव और F नेगेटिव कंपेयर करवाऊँ तो बच्चों बताओ अब किसका ज़्यादा होगा, E2 बड़ा है E1 से, तो E2 एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, E2 इसके लिए था और E1 इसके लिए था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl नेगेटिव और F नेगेटिव में से Cl नेगेटिव का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बच्चों, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाओ। तो कैसे बनाएं, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे बनाएं, इसमें ऐसे बनाते हैं हम। देखो पहले तो ये न्यूट्रल एटम्स हैं और ये एनायंस हैं, न्यूट्रल एटम्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, एनायंस का कम होगा, क्योंकि एनायंस में जेड इफेक्टिव की कमी होती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है। तो इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा था, एफ का ज़्यादा था, है ना। और Cl नेगेटिव और F नेगेटिव में से अभी अभी हमने सीखा किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, Cl नेगेटिव का। और एनायंस और न्यूट्रल्स में से किसका ज़्यादा होता है, न्यूट्रल्स का। तो इसमें Cl नेगेटिव F नेगेटिव ऐसे ऑर्डर बनेगा। यही कही क्वेश्चन बच्चों उसके लिए पूछ लिया था, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, तो वहां पर भी सेम यही ऑर्डर बनेगा, यहां पर भी ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें बस आपको ये याद रखना है बच्चों, देखो एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी तो आप कंपेयर कर ही लोगे, आपने सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। जब आपको मोनो एनायंस की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना हो ना, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मत देखो, उनके एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेक कर लो। जैसे Cl नेगेटिव और F नेगेटिव का आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, यानी कि मोनो एनायंस का आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो क्या कर लो, Cl और F की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लो, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा
तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये था बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बने हैं पीरियोडिक टेबल से तो वो बने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, तो चलिए अगला लेक्चर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, कीप लर्निंग केमिस्ट्री। थैंक यू।